नमस्कार, चाणक्य IAS एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कतर गेट की। आखिर यह कतर गेट है क्या? तो बात यह है कि 9 दिसंबर की सुबह एक घोटाला सामने आया, जब बेल्जियम पुलिस ने ब्रुसेल्स में कई छापे मारे और प्रमुख राजनेताओं सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया। अब जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें से 2 प्रमुख नाम है, एक कैली और दूसरा पियर एंटोनियो पंजेरी। कैली जो एक ग्रीक राजनीतिज्ञ हैं और पियर एंटोनियो पंजेरी यूरोपीय संसद के पूर्व सदस्य हैं। इन दोनों पर मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। कहा यह जा रहा है कि कैली ने यूरोपीय संघ के नीति निर्माताओं को प्रभावित किया है और नीति निर्माताओं को अपने पक्ष में करने के लिए उन्हें फंड दिया गया है, उनकी फंडिंग की गई है और यह फंडिंग की गई है कतर सरकार के द्वारा। कहा यह जा रहा है कि जब पुलिस ने कैली के कई निजी स्थानों पर छापा मारा तो वहां से लाखों यूरो मिले हैं। अब बात यह करते हैं कि आखिर कतर ने वित्त पोषण क्यों किया या फंडिंग क्यों की। तो सबसे पहली बात यह है कि कतर एक एनर्जी रिच देश है और कतर यह चाहता है कि वह यूरोप की नजर में या उनकी गुड बुक में रहे। ऐसा क्यों, उसका कारण देखिए। पहला, कतर प्राकृतिक गैस बेचने की कोशिश कर रहा है यूरोप को, क्योंकि जो यूरोपीय संघ है वह यूरोपीय संघ रूसी ऊर्जा आपूर्ति पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है, जैसा कि हम सभी ये जानते हैं। यह LNG के लिए जर्मनी के साथ पहले ही एक आकर्षक सौदा कर चुका है, मतलब हम कतर की बात कर रहे हैं। आइए दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा यह है कि कतर अपने मानवाधिकारों के दुरुपयोग पर आलोचना से बचना चाहता है। कहा यह जा रहा है कि कतर में मानवाधिकारों का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसका प्रमाण यह है कि हालिया फीफा विश्व कप 2022 में कतर के विवादास्पद कफाला श्रम प्रणाली के मानवाधिकार उल्लंघन के मामले को सामने लाया। कफाला सिस्टम या कफाला प्रणाली श्रमिकों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाता है। अगर सीधे तौर पर हम कफाला प्रणाली की बात करें तो दूसरे देश से आकर यहां नौकरी करने वाले मजदूर के पास उत्पीड़न से बचने का कोई रास्ता नहीं होता। वे अपनी मर्जी से नौकरी नहीं छोड़ सकते। देश से बाहर जाने के लिए भी उन्हें अपने नियोक्ता से अनुमति लेना अनिवार्य होता है, मतलब वो जिन्होंने इनको नौकरी दी है, मजदूरों को। और बिना नियोक्ता की अनुमति के वह नौकरी बदल नहीं सकते हैं और ना ही वापस जा सकते हैं। इतना ही नहीं, कई नियोक्ता या एम्प्लॉयर अपने मजदूरों के पासपोर्ट तक भी जब्त कर लेते हैं और आसानी से उस पासपोर्ट को लौटाते नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे कारण की। तीसरा कारण यह है कि यूरोपीय सेंगेन क्षेत्र में प्रवेश करने के इच्छुक कतरी नागरिकों के लिए, मतलब कतर के नागरिकों के लिए अधिक आरामदेह वीजा व्यवस्था को सुरक्षित करने का भी प्रयास कतर कर रहा है। अब अगर हम बात करें सेंगेन क्षेत्र की, तो यह कैसा क्षेत्र है? तो सेंगेन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें 26 यूरोपीय देश शामिल है। इसमें यूरोपीय संघ के 27 सदस्य राज्यों में से 22 सेंगेन क्षेत्र में शामिल हैं। इन देशों ने अपनी अपनी आपसी सीमाओं पर सभी पासपोर्ट और सीमा नियंत्रण को समाप्त कर दिया है। इसका मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए काफी हद तक एक एकल राष्ट्र की तरह संचालित होता है, जहां इस क्षेत्र के अंदर आने वाले या फिर बाहर जाने वाले लोगों के लिए तो सीमा नियंत्रण होता है, लेकिन यहां कोई आंतरिक सीमा नियंत्रण नहीं है। इस क्षेत्र का नाम 1985 के सेंगेन समझौते पर रखा गया है। सेंगेन शहर लग्जमबर्ग में है। अब यहां यह है कि इसमें इन राजनेताओं को अरेस्ट करने की क्या जरूरत थी? तो कतर जो मानव स्वतंत्रता सूचकांक में 165वें में से 128वें स्थान पर है, कतर जहां कहा जाता है कि विश्व कप स्टेडियमों के निर्माण में हजारों विदेशी श्रमिकों की मृत्यु हो गई है, कतर जहां व्यभिचार और समलैंगिक यौन संबंध 7 साल तक की जेल की सजा वाले अपराध हैं, ऐसी स्थिति के बावजूद कैली ने कतर के मानवाधिकार रिकॉर्ड का सक्रिय रूप से बचाव किया और फीफा विश्व कप के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के दौरान प्रवासी श्रमिकों की मौत की रिपोर्ट के बावजूद इसके श्रम और सामाजिक सुधार की पहल की प्रशंसा की है। कैली ने दोहा की मानवाधिकार नीति की आलोचना के लिए यूरोपीय संघ की आलोचना की है। उसने नीति निर्माताओं को कतरी नागरिकों को आसान वीजा पहुंच प्रदान करने के लिए प्रभावित करने की भी कोशिश की है और ये सारे काम आसानी से हो जाए इसके लिए कतर ने इन राजनीतिज्ञों को पैसे दिए, फंडिंग की और इसलिए इस पूरे कार्य को कतर गेट की संज्ञा दी गई है।
कतर गेट पर यूरोप और दुनिया की क्या प्रतिक्रिया है? तो पूरा यूरोप हैरान है, यूरोपी हैरान है। इस मामले से संबंधित सवाल जब यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन से पूछा गया तो वे बगले झांकने लगी, मतलब वो इस सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं थी। वहीं यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्सोला ने कहा कि खुले स्वतंत्र लोकतांत्रिक समाजों के हमारे तरीके पर हमला हो रहा है और यूरोप के लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश करने वाले इन व्यक्तियों की हम निंदा करते हैं। हंगरी के प्रधानमंत्री ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने में विफल रहने के लिए यूरोपीय संघ का मजाक उड़ाया। कुल मिलाकर यूरोप जो विकसित देशों का एक समूह है, मतलब यह कि यूरोप में ज्यादातर देश विकसित हैं, अपने मंच से बार बार मानवाधिकार एवं लोकतंत्र की वकालत करता नजर आता है। अब इस तरह के ढोंग करने से बचे, इस तरह के स्वांग रचने से बचे। कई सौ सालों तक एशिया और अफ्रीका के संसाधनों से विकसित हुए यूरोपीय देशों के लिए जरूरी है कि अपनी कथनी और करनी में समानता लाए, क्योंकि अगर हम इतिहास की बात करें तो मानवाधिकार के प्रश्न पर यूरोप हमेशा कटघरे में रहा है। यूरोप के लिए अच्छा होगा कि अपने अतीत के उस गुनाह को ना केवल सुधारे बल्कि वर्तमान में वो वाकई ही मानवाधिकार का पैरोकार है इसको भी सिद्ध करे। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने यह देखा कि कतर गेट क्या है और उससे जुड़े हुए या उससे संबंधित विभिन्न आयामों पर हमने एक नज़र डाली। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। आगे मिलते हैं नए कंटेंट के साथ नई वीडियो में। नमस्कार। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।